हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी फार लेट है, पर इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी फार ठीक नहीं है और मुझे जुकाम हो चुका है। इसीलिए गाइज, अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लगती है तो उसके लिए सॉरी। पर गाइज, जहां तक बात है आज की इस वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से जॉन सिन्हा ने फिर एक बार AEW कंपनी के सुपरस्टार को प्रेस किया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स क्या रहे, AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू कौन सा होने वाला है और उस पेपर व्यू की डेट और लोकेशन क्या है, जिसके साथ ही हम इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के हर एक मैच के स्टार रेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के अगले पेपर व्यू की और जानते हैं कि इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद हमें AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू कौन सा देखने को मिलने वाला है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी साल में सिर्फ चार ही पेपर व्यूज करती है, जो कि है डबल और नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और रेवोल्यूशन। और इस सीक्वेंस से आप समझ सकते हैं कि हर साल AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर व्यू खत्म होने के बाद AEW कंपनी का फुल गियर पेपर व्यू देखने को मिलता है। और गाइज इस साल भी यही ट्रेडिशन कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद हमें AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू फुल गियर देखने को मिलने वाला है। और गाइज हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल का AEW कंपनी का फुल गियर पेपर व्यू हमें नवंबर 19, 2022 को देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस साल के फुल गियर पेपर व्यू की फाइनल डेट है कि गाइज हमें इस साल का फुल गियर पेपर व्यू 19 नवंबर 2022 को देखने को मिलेगा। और इस बार ये पेपर व्यू न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में होने वाला है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी पैशनेट क्राउड है। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि साल जब नवंबर 19 को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के अंदर AEW कंपनी का फुल गियर पेपर व्यू होता है तो पेपर व्यू कितना बढ़िया पेपर व्यू होता है और इस पेपर व्यू के लिए हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ऑल आउट पेपर व्यू के बाद अब AEW कंपनी का अगला पेपर व्यू कैसा होगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। पर माना कि ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर कितने भी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन गाइज मैं फुल ईयर पेपर व्यू के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज हमें इस पेपर व्यू के ऊपर काफी बढ़िया स्टिपुलेशन के मैचेस देखने को मिलते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू पर मैचेस कौन कौन से होते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स क्या रहे। तो गाइज अगर आपको नहीं पता कि बाय रेट्स का मतलब क्या है तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आपको कोई भी पेपर व्यू यानी काफी बड़ा इवेंट देखना होता है तो आपको पैसे देकर वो पेपर व्यू खरीदना पड़ता है, क्योंकि इसी का मतलब होता है पे पर व्यू। लेकिन इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है, इसलिए प्रॉबेबली आप में से कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। पर गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये चीज काफी बार चलती है और इसी हाल फिलहाल में इस साल के ऑल आउट 2022 पेपर व्यू के बाय रेट सामने आ चुके हैं। और गाइज देखा जाए तो लास्ट ईयर के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स और इस ईयर के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि गाइज लास्ट ईयर के मुताबिक इस ईयर ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स करीब करीब 30% कम हो चुके हैं। और जहाँ पर लास्ट ईयर के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स मिले थे करीब करीब 210,000, तो वहीं पर इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स मिले हैं करीब करीब 140,000। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के पेपर व्यू बाय रेट्स के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। लेकिन गाइज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर हमें सीएम पंक, ब्रायन डेनियल्स और एडम कोल ये सभी AEW कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई दिए थे, पर इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें इतनी बड़ी चीजें नहीं देखने को मिली, तो इसी वजह से इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स के अंदर हमें इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मेरे हिसाब से इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें तो नहीं हुई, लेकिन गाइज इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू WWE के क्लैश ऑफ द कैसल के बाद सीधा था और यहाँ पर वर्ल्ड कोलाइड पेपर व्यू भी ऑल आउट पेपर व्यू के साथ हेड टू हेड कॉम्पिटिशन के अंदर था। इसलिए मेरे हिसाब से इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के बाय रेट्स काफी कम हुए हैं। पर देखना पड़ेगा कि अगले साल AEW कंपनी पेपर व्यू बाय रेट्स के अंदर बाउंस बैक कर पाती है या नहीं। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही। पर गाइज मैं आपको फिर एक बार यहाँ पर बताऊंगा कि मैं हर बार की तरह यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर के स्टार रेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके साथ ही मैं आपको अपनी भी स्टार रेटिंग बताऊंगा और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इस स्टार रेटिंग से एग्री करते हैं या नहीं। और गाइज अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल आउट पेपर व्यू के बाइंग शो से, जहाँ पर हमें हुक और एंजेलो पार्कर का मैच देखने को मिला था, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को डेव मैडजर की तरफ से मिली है 1.5 स्टार। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए ठीक ठाक सी रेटिंग है।
लेकिन गाइज इसके बाद हमें जो ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए किप सेबियन और पाक का मैच देखने को मिला था, तो गाइज इस मैच को मिले 2 स्टार, जो देखा जाए तो फिर एक बार इस मैच के हिसाब से ठीक ठाक है। और इसके बाद हुए टोमोहिरो इशी वर्सेस एडी किंगस्टन, इस मैच को मिले 4.5 स्टार, जहाँ पर मेरे हिसाब से इस मैच को थोड़ी बार ज्यादा स्टार रेटिंग मिली है। और गाइज यहाँ पर इस मैच को 4 स्टार की स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी। और गाइज बाइंग शो के हिसाब से सिर्फ इन 3 मैचेस की स्टार रेटिंग सामने आई है। पर जहां तक बात है सैमी गवेरा और टैकोंटी और ओर्टिज और रूबी सोहो की मिक्स जेंडर टैग टीम मैच की, तो गाइज उस मैच की स्टार रेटिंग सामने नहीं आई। तो गाइज मेरे हिसाब से उस मैच को मिलने चाहिए थे 2 स्टार, जिससे आप एग्री करते हैं या नहीं या मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज इसके बाद जो मैं एक्चुअल पेपर के ऊपर जो सबसे पहला कैसीनो लैडर मैच देखने मिला था, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले 3.25 स्टार, जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये मैच डिजर्व करता है। इसके बाद हुए वार्डलो एफटीआर और जेलिथर और मोटर सिटी मशीन गन्स के 6-मैन टैग टीम मैच को मिले 3.5 स्टार, जो फिर एक बार मेरे हिसाब से ये मैच डिजर्व करता है। पर इसके बाद हुए द इलीट वर्सेस हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर, इनके मैच को मिले 4.5 स्टार, जो फिर एक बार देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्टार रेटिंग है। पावर ऑफ सॉप्स और इक्की स्टार्स, इनके बीच में हुए मैच को मिले 1.75 स्टार, जो भी मेरे हिसाब से ठीक ही है। इसके बाद टीबीएस चैंपियनशिप के लिए हुए अथेना और जेट कागिल के मैच को मिले 1.5 स्टार, जहां पर मुझे लगता है कि ये मैच प्रोबेबली 2 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। पर गाइज इसके बाद हुए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सोरेन और ग्लोरी वर्सेस द क्लेम, इस मैच को मिले 4.5 स्टार, जो फिर एक बार देखा जाए तो गाइज ये मैच डिजर्व करता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच को मिलने चाहिए थे 4.75 स्टार। पर गाइज इसके बाद AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए टोनी स्टॉर्म वर्सेस जेमी हेटर वर्सेस हिकारू शिडा वर्सेस डॉक्टर ब्रिट बेकर, इस मैच को मिले 3 स्टार, जो मेरे हिसाब से काफी कम है, क्योंकि गाइज ये मैच 4 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। लेकिन इसके बाद हुए मीरो डार्बी आयलन और स्टिंग वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक के मैच को मिले 3.25 स्टार, जो फिर एक बार देखा जाए तो ये मैच डिजर्व करता है। ब्रायन डेनिसन और क्रिस जेरिको, इनके बीच में हुए मैच को मिले 4 स्टार, जो फिर एक बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ी बार कम है, क्योंकि इस मैच को 4.5 स्टार की रेटिंग मिलनी चाहिए थी। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट में हुए सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के मैच को मिले 4.5 स्टार, जो फिर एक बार देखा जाए तो गाइज ये मैच डिजर्व करता है। और यही साल के ऑल आउट 2022 पेपर-व्यू की स्टार रेटिंग है, जिस स्टार रेटिंग के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मोस्टली मैं इस साल के ऑल आउट 2022 पेपर-व्यू की स्टार रेटिंग से एग्री करता हूँ, और इन मैचेस को इतनी स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें एक्चुअल ऑल आउट पेपर-व्यू की, पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे अगले और मेन अपडेट की, और जानते हैं कि फिर एक बार जॉन सिन्हा ने किस तरीके से AEW कंपनी के स्टार को प्रेस किया है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW कंपनी के अंदर जॉन सिन्हा के डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स कैरेक्टर जैसा एक कैरेक्टर है, जो कोई और नहीं बल्कि मैक्स कैस्टर है। और काफी बार लोग मैक्स कैस्टर और जॉन सिन्हा को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स बहुत ही बढ़िया रैप करते हैं। और इसके पहले जॉन सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मैक्स कैस्टर का एक फोटो शेयर किया था, जिससे हम समझ सकते थे कि जॉन सिन्हा ने मैक्स कैस्टर को प्रेस किया है। लेकिन गाइज ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद फिर एक बार जॉन सिन्हा ने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मैक्स कैस्टर का एक फोटो शेयर किया है, जिस फोटो के अंदर मैक्स कैस्टर कीटली उठा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार यहाँ पर जॉन सिन्हा मैक्स कैस्टर की ताकत देकर काफी खुश है। और यहाँ पर फिर एक बार क्लासिक जॉन सिन्हा फैशन के अंदर यहाँ पर सिन्हा ने इस फोटो के कैप्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सिन्हा का ट्विटर हैंडल ऐसी काफी सारी वियर्ड पोस्ट से भरा हुआ है, और फैंस इससे जो चाहे वो मतलब निकाल सकते हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जॉन सिन्हा ने फिर एक बार AEW कंपनी के सुपरस्टार की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है, जिस पर आपका क्या कहना है। पर गाइज आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?